नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टैलीपीप टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के दी मोस्ट पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी की। बात करूंगी आज के नए प्रोमो की, जो प्रोमो आया है जिस प्रोमो में मंगल और आदित्य की शादी की सालगिरह की तैयारी चल रही है और फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन होने वाली है मंगल और आदित्य की दोबारा से शादी। लेकिन इस शादी में अड़चन बनने आ गई है सौम्या। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोमो दिखाया गया है उस प्रोमो में मंगल के घर आई है सौम्या, और जब सौम्या मंगल के घर आई है तो यहाँ पर वो कहती है कि हैप्पी एनिवर्सरी मंगल एंड आदित्य। मगर यहाँ पर मंगल सीधे कहती है कि आपको तो हमने हमारी एनिवर्सरी पर घर पर बुलाया ही नहीं है, और आपको तो हमने पहले ही मना किया था ना कि अब आप हमारे घर मत आइएगा, फिर किसके बुलाने पर आप हमारे घर आई हैं। ऐसे तीखे टेढ़े सवाल सुनकर सौम्या ना बहुत इरिटेट हो जाती है और कहती है कि मंगल, मुझे तुम्हारे घर के ही किसी मेंबर ने इनवाइट किया है, मैं बिना इनवाइट के नहीं आई। तो यहाँ पर मंगल पूछती है कि घर के मेंबर ने, घर में से आपको किसने इनवाइट किया है। तभी यहाँ पर सौम्या आदित्य की तरफ देखती है और आदित्य मुस्कुराने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आदित्य ने और सौम्या ने मिलकर मंगल को सच बताने का, उसे धोखा देने का, उससे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ लिया है। इसीलिए आदित्य के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की खुशी नजर आ रही है और सौम्या भी काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन स्ट्रेस में नजर आ रही है मंगल और कुसुम। ऐसे में अब मंगल और आदित्य के बीच और साथ ही साथ कुसुम, इन तीनों के बीच थोड़ी सी खींचतान हमें देखने को मिलेगी, जहाँ कुसुम आदित्य पर भड़कती नजर आएगी कि तुमने सौम्या को क्यों बुलाया, किससे पूछकर बुलाया, ये हमारा घर है और इस पर हमारे मर्जी के खिलाफ जो है सौम्या यहाँ नहीं आ सकती, उसको यहाँ से जाना होगा। मगर आदित्य जो है ना सौम्या को रोकता है, क्योंकि सौम्या ने ना आदित्य को धमकी दी है कि अगर तुमने आज सच नहीं बताया तो मैं सबको अपना सच बता दूंगी। देखते हैं दोस्तों सौम्या, आदित्य और मंगल, इन तीनों की जिंदगी अब कौन सा नया मोड़ लेती है।